हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मैट्रिमोनियल केस में हस्बैंड या उनकी पूरी फैमिली के अगेंस्ट ही एफआईआर करवा दी गई है तो क्या आप उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं और आप क्या एक्शन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। मैट्रिमोनियल केसेस में अक्सर देखने में आता है कि वाइफ अपने लॉयर के कहने पर पति और उसके पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर करवा देती है, जिसमें उसने कई बार ऐसे रिलेटिव्स का नाम भी डलवा दिया जाता है एफआईआर में जो उस वक्त उस फैमिली के साथ या उस घर में रह ही नहीं रहे होते हैं, जैसे कि अक्सर शादीशुदा नंदों का नाम या जेठ जेठानी जो अलग रह रहे होते हैं उनके नाम भी एफआईआर में करवा दिए जाते हैं जबकि वो उस घर में रह ही नहीं रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा देखने में आया कि हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट्स में ऐसा कहा कि अगर पूरी फैमिली का नाम ही एफआईआर में लिखवा दिया गया है और किसी का रोल स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है तो ऐसी एफआईआर को क्वैश कर दिया जाएगा। अगर एफआईआर में सारे फैमिली मेंबर्स का नाम डाला जाता है तो आपको उसका एक एक व्यक्ति का रोल जो है स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि क्या इंसिडेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि एफआईआर इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट वन एंड ऑल फैमिली मेंबर्स लायबल टू बी क्वेश्चन, यानी कि अगर सारे ही परिवार के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है तो ये समझ में आता है कि इस एफआईआर का क्या मतलब है और इसमें सभी का नाम बस डाल दिया गया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है और ये एक प्रेशर टैक्टिक है। तो ऐसे केसेस में अक्सर 482 के अंदर हाईकोर्ट में जाकर आप एफआईआर क्वैश करवा सकते हैं। एक केस आया नाथूभाई सोमभाई रोहित वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर, जिसमें एक फैमिली के 10 मेंबर्स का नाम एफआईआर में लिखवा दिया गया। उसमें सभी मेंबर्स का रोल स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया कि किस इंसिडेंट की वजह से या उन्होंने ऐसी कौन सी क्रुएलिटी उस महिला के साथ की जिसकी वजह से पत्नी ने अपने पति और परिवार के 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवा दी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश करते हुए कहा कि अगर सभी मेंबर्स का नाम फैमिली मेंबर्स का नाम इस एफआईआर में है तो ये एफआईआर अपने आप में ये बताती है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है क्योंकि सभी का रोल मेंशन नहीं किया गया है कि किस वजह से उनका नाम उस एफआईआर में है। अगर सारे फैमिली मेंबर्स का नाम पर आप एफआईआर करवाना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि किस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, मतलब किस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया है, कौन सी क्रुएलिटी की है, क्या इंसिडेंट किया है, वो आपको बताना पड़ेगा। अदरवाइज 482 ऑफ सीआरपीसी के अंदर आप हाईकोर्ट से जाके उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। तो महिलाओं के साथ अगर क्रुएलिटी होती है तो वो ये याद रखें कि जब भी वो एफआईआर करवाएं तो सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ करवाएं जिन्होंने एक्चुअल में आपके साथ कुछ किया हो, कोई फॉल्स एफआईआर ना करवाएं। और अगर आप करवाती हैं, फॉल्स एफआईआर करवा देती हैं, अगर किसी पुरुष के साथ ऐसा होता है, अगर हस्बैंड के अगेंस्ट या उसके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट एफआईआर करवा दी जाती है जिसमें उनके ऊपर झूठे बेसलेस एलिगेशंस लगा के सबको एफआईआर में फंसा दिया जाता है तो आप सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के अंदर हाई कोर्ट से अपनी 498A की एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जीवी राव वर्सेस LHV प्रसाद के केस में सीधे सीधे कहा कि अगर कोई एफआईआर करवाई जाती है सभी फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट 498A ऑफ IPC के अंदर तो उसमें हर मेंबर का रोल स्पेसिफाई करना होगा कि उसने क्या क्रुएलिटी की है, अदरवाइज ऐसी एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएँ।